बंद का फैसला बिल्कुल बेकार है। इसमें एक साइड की दुकानें खुलती हैं, एक साइड की बंद रहती हैं, ग्राहक आता नहीं है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, यही वजह है कि सरकार अब लॉकडाउन में छूट देने लगी है। इसके तहत अब मार्केट में सभी दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है। पहले जहां सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, तो वहीं अब समय बदल कर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ही खुलेंगी। सरकार ने राहत तो दे दी है, मगर इस राहत से दुकानदार खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर ग्राहक शाम के समय सामान लेने आते हैं, ऐसे में दुकान जब बंद मिलती है तो वो छोटी दुकानों या फिर दूसरी दुकानों से सामान लेकर चले जाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। सारी दुकानें खुली हैं देखा जाए, और इवन कहाँ तक चलेगा, आधा दुकानदार कमाता आधा रह जाता है। सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, 9 से 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी, कहाँ तक जाएगा? 9 से 3 का तो कोई फायदा ही नहीं जी। दुकान खुले तो 7 बजे तक खुले शाम को जी, क्योंकि दिन में तो ग्राहक है ही नहीं दोपहर में। बंद का फैसला बिल्कुल बेकार है। इसमें एक साइड की दुकानें खुलती हैं, एक साइड की बंद रहती हैं, ग्राहक आता नहीं है। हम इससे बहुत परेशान हैं। अब सरकार ने 9 से 3 का टाइम कर दिया, इसके लिए शाम को ग्राहक निकलता है, उससे पहले ग्राहक है नहीं, वैसे काम धंधे नहीं है बाजार में। सरकार ने ये फैसला बहुत गलत लिया है। आपके अनुसार कितने बजे तक करना चाहिए सरकार? सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। दुकानदारों का मानना है कि पहले ही लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब अनलॉक में भी आधी अधूरी राहत दी जा रही है। दुकानदारों की मांग है कि समय बदल कर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाए और ऑड इवन फार्मूला भी हटाया जाए। ये ऑड इवन का कोई मतलब बनता नहीं है, या तो खोलो पूरी मार्केट खोलो, नहीं तो मत खोलो जी। अगर खोलना है तो सारा खोलो, क्योंकि ऑड इवन में कोई दुकानदार मानता है कोई नहीं मानता, आज वो खोल रहा है कल हम खोल रहे हैं, तो इसमें दिक्कतें पैदा होती हैं, इसमें कोई मज़ा नहीं आता जी। या तो सारी खुलनी चाहिए या फिर नहीं खुलनी चाहिए जी। सरकार के इस फैसले से आप कहाँ तक सहमत हैं? ऑड इवन का कोई मतलब नहीं बनता, या तो सारी मार्केट खोलो या मत खोलो जी। सरकार ने फरमान जारी किया है 9 से 3 बजे तक अब दुकानें खुली। 9 से 3 बजे तक का कोई फायदा नहीं है, दोपहर को सुबह लोग बाग उठते ही 12 बजे हैं लॉकडाउन में, और अब 3 बजे तक का टाइम कर दिया, 3 बजे तक धूप में कोई निकलेगा नहीं मार्केट में, कोई फायदा नहीं है, दुकानदार और परेशान होगा। इससे अच्छा तो कम से कम 7 बजे तक का कम से कम टाइम मिले, जिससे कि ठंडक में कुछ दुकानदारी कर सके, दुकानदार दो पैसे कमाई कर सके। यहाँ तो बैठे बैठे बेकार खाना खा टाइम फोड़ने वाली बात है। 3 बजे तक का मतलब या 2 बजे तक मतलब कोई फायदा नहीं है उसको। ना तो दुकानों का किराया निकल रही ना कुछ है जी। वर्कर है उनकी तनख्वाही चढ़ रही है ऐसे ही जी। और टाइम पीरियड अभी इनका 9 से 3 का कह रहे हैं, 9 से 3 में होगा क्या जी? कम से कम 7 बजे तक का तो टाइम हो जी, तभी जाके यानी कुछ हो पाएगा जी। इतने दुकान खोलते इतने फिर यानी बंद करने का टाइम हो जाता, कोई फायदा ही नहीं है उसमें जी। प्रशासन आपका कितना सहयोग कर रहा है? प्रशासन तो सहयोग पूरा करता है, मगर यह है कि उसमें टाइम पीरियड नहीं है ना जी। दोपहर को ना तो कस्टमर आएगा 3 बजे के आसपास, तो कस्टमर तो या तो सुबह 11-12 बजे तक रहता है फिर, या फिर 5 बजे के बाद निकलता है जी, तभी हो पाएगा। अगर कम से कम 7 बजे तक का तो टाइम होना ही चाहिए जी। सरकार से क्या आग्रह करते हो आप? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम शाम के 7 बजे तक का टाइम किया जाए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी व्यवसाय पहले से ही मंदी का शिकार हैं, ऐसे में दुकानदार भी आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी पड़ रही है, क्योंकि दुकान कुछ ही घंटे खुलती है और इस टाइम भी ग्राहक नहीं आते, इससे नुकसान काफ़ी होता है। बहरहाल अब देखना होगा कि दुकानदारों की अपील पर सरकार क्या रुख अपनाती है। हैदराबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।